हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विंटर डीआईवाई मॉइस्चराइज़र। और इस मॉइस्चराइज़र को आप फेस एंड बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं और इसमें आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगेंगे, बाहर से कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा आपको। जो आपके घर में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं उसी में ये बन जाएगा मॉइस्चराइज़र। और स्पेशली उनके लिए है ये, जिनकी स्किन ड्राई है, डलनेस है और जिसकी स्किन पैची है, उन वो तो ज़रूर यूज़ कीजिए क्योंकि ये मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छा वर्क करने वाला है। तो बातें ज़्यादा नहीं करते, एक बार वीडियो देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये टीस्पून लिया है और ये 4 टीस्पून मैं एलोवेरा जेल लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने ये 4 टीस्पून यहाँ एलोवेरा जेल ले लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन मैंने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी डाली है। आप यहाँ पे बिल्कुल अपनी जिस हिसाब से आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप डालिए। मैंने यहाँ पे 3-4 बूंद यहाँ पे ग्लिसरीन डाली है। और ये मत सोचिएगा आप कि ग्लिसरीन डालने के ज़्यादा चिपचिपी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल है और एलोवेरा जेल इसमें ग्लिसरीन को बैलेंस कर लेगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गुलाब जल, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें आप ऐड करने वाली हूँ ये 2 टीस्पून ऐड करूंगी मैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून यहाँ पे गुलाब जल ऐड करा है। इसमें ऐड करूंगी एसेंशियल ऑयल और यहाँ पे मैं लेमन एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ गुड वाइब्स का। ये मैंने purple.com से मंगाया था। ये भी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, 1 से 2 ड्रॉप डालना है। और आपके पास है तो डालिए, नहीं तो आप कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ये विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, आप ये भी इसमें डाल सकते हैं। और इसमें आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, बट इसमें मैं इतना तामझाम नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ यही चीज़ डाल रही हूँ मैं जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स सिखाए हैं। अब मैं इसको सबको मिक्स कर लूँगी। बढ़िया सा मेरा मॉइस्चराइज़र बन के रेडी हो चुका है और जिसकी स्किन पे जिसकी स्किन ड्राई है, पैची है एंड जिसकी स्किन पे पिंपल्स हुए हुए हैं, तो उनके लिए तो बहुत मस्त है ये वाला मॉइस्चराइज़र। और जिसकी स्किन ना डल हुई है, खुरदुरे हाथ पैर हुए हैं, तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत इजी है इसको बनाना, आपने देख लिया है इसका वीडियो भी। तो एक बार मैं अभी आपको इसका डेमो करके भी दिखा देती हूँ, इसको मैं अपने फेस पर लगा के आपको दिखा देती हूँ। और इसका कलर देखिए, ये कुछ इस तरीके का ग्रीन कलर इसमें आया है। और अगर आप ऑरेंज जेल यूज़ करते हैं तो इसका कलर ऑरेंज आएगा, इसका अगर आप प्लेन एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं तो प्लेन आएगा। मैंने यहाँ पे ग्रीन एलोवेरा जेल यूज़ किया है तो ग्रीन इसमें ग्रीन कलर आया है इसका। आप कुकुम्बर एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने ये इतना सा लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको अपने फेस पे भी अप्लाई करके दिखाया है और देख लीजिए आपकी एक अच्छी इसने ग्लोइंग फेस दिया है। ग्लोइंग मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है। और मतलब मैंने इसमें ग्लिसरीन डाली है तो ऐसा नहीं लग रहा है ये चिपचिपा है, कुछ भी चिपचिपा नहीं है। आप देख सकते हैं कुछ भी चिपचिपा नहीं है। और प्लीज़ इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये विंटर मॉइस्चराइज़र अच्छा लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके डार्क पैचेस वगैरह हैं, अगर टैनिंग है उस टैनिंग को भी रिमूव करेगा ये, डार्क पैचेस वगैरह हैं उनको भी ठीक करेगा और पिम्पल्स है, रिंकल्स है, सारी प्रॉब्लम्स को आप ये ठीक करेगा। और आप अपने हैंड पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना मुझे कैसा लगा, और ऐसे ही आप इजी डीआईवाई देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए और इजी डीआईवाई लेके आऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।